बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मनुष्यता पाठ का रिवीजन करा रही हूँ, पुनरावृत्ति करा रही हूँ, और जिसमें मैंने पहला वाला आपको पढ़ा दिया है, उसमें काव्य सौंदर्य बता दिया है, और साथ ही साथ मैथिली षडगुप्त जी के बारे में भी संक्षिप्त सा परिचय दिया है, और साथ ही आपको ये भी बताया है कि मनुष्यता मनुष्य के भीतर का वो भाव है जिसके बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, पशुओं के समान है। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने अपनी हर पंक्ति के अंत में कहा कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब, मनुष्य होने का मतलब ही कुछ नहीं है यदि हम अपना जीवन मनुष्य के लिए न्यौछावर करने को तत्पर नहीं है। अर्थात न्यौछावर करने का तात्पर्य हुआ कि यदि हमें किसी मनुष्य को हमारी आवश्यकता महसूस होती है और हम उसे मौके पर मदद नहीं करते तो वो हमारे लिए हमारा जीवन व्यर्थ है, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। पशुओं का स्वभाव होता है कि पशु एक दूसरे को नोचते खसोटते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खुद का फायदा देखते हैं। अपने खाने और जीने के लिए अपने संतान तक को वो नोच खसोट लेते हैं, जो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते हमें ये मानना चाहिए कि हम दूसरों के लिए अपने जीवन को सदैव न्यौछावर करने को तत्पर रहें। हमारी योनि जो है, यानी मनुष्य योनि जो है, ऐसा माना जाता है कि समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी है, और सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने सबसे ज्यादा उसे प्रदत्त की है, दी है। और ऐसी स्थिति में यदि हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है तो पशुओं से हमारे और पशुओं में कोई अंतर भी नहीं हो सकता, पशुओं के समान ही हम भी हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशु से श्रेष्ठ बनने के लिए अपने भीतर वो गुण लाने हैं जिससे हमारे अंदर की मनुष्यता सदैव आगे आए और सबके लिए हमेशा तत्पर रहे। तो पहले वाले पैराग्राफ में मैंने ये चीज बताया, साथ ही ये बताया सुमृत्यु क्या है। सुमृत्यु का तात्पर्य एक अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु का मतलब तो मरना तो है ही है, संसार मरणशील है, ये मर्त्यलोक है, यहाँ जन्म लेने वाला मरेगा ही, और जब मरेगा तो निश्चित है कि उसके मरने के साथ साथ ही मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में वो कार्य करके जाएं कि मरने के बाद भी हम अमर रहें, हमें अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ मरने के बाद भी हमारा नाम लेने वाला कोई है। तो मृत्यु भी एक अच्छी मृत्यु है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अच्छी मृत्यु सबको प्राप्त नहीं होती, सबके लिए और अच्छी मृत्यु नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा कि एक सुमृत्यु प्राप्त करे वो मनुष्य श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य है। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब दूसरे हिस्से पर आती हूँ। दूसरे हिस्से में कहा गया है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उस तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन्होंने कहा, यहाँ पर कई बार ये शब्द आया, उसी उदार से धरा, उसी उदार की सदा। ये उसी उदार शब्द जो आया है, ये उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर मनुष्य के लिए किया गया है। मनुष्य यानी जिस, उसी को हम जिस से जोड़े, जिस मनुष्य यानी जिस मनुष्य में मनुष्यता के गुण होते हों, उस मनुष्य की बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं, ना कि संसार में जन्मे हर व्यक्ति की। संसार में तो कई 100 करोड़ लोग हैं, लेकिन क्या सब में एक समान गुण होते हैं? संभवतः नहीं, आपका भी उत्तर नहीं ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्यता होने के कारण उनका जिस मनुष्य में ये मनुष्यता का गुण हो, इसीलिए उन्होंने हर जगह उसी उदार की कथा, उसी उदार से धरा, ऐसे कह करके उसी उदार शब्द का प्रयोग, उसी शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं इसको बता दूं, थोड़ा सा लिख के आपको समझा दूं।
देखिए यहां उन्होंने लिखा उसी उदार की कथा। अब ये उसी शब्द जो है विशेष बन गया, ये जो उसी शब्द का प्रयोग किया गया एक विशेष अर्थ दे रहा है। उस विशेष अर्थ का क्या तात्पर्य हुआ? विशेष मानव के लिए, विशेष मनुष्य के लिए। वो विशेष मनुष्य कौन है? जो परोपकार करे, जो मनुष्य के हित के लिए जन्मा हो, हित के लिए जन्मा हो। ये है जो शब्द है ये उसी से जुड़ा है कि जिसकी बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य के हित के लिए जन्मा उसकी बात ही कर रहे हैं। जब उसकी बात कर रहे हैं तो ये उसी उदार, ये उसी शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ देने लगा, विशेष अर्थ रूप के रूप में दे रहा है। तो इसलिए ये विशेषण के रूप में आ गया है कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जा रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो पैराग्राफ कहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब कवि ने कहा उसी उदार की कथा, ऐसे मनुष्यों की कथा, यानी जो मनुष्य अपना जीवन दूसरों के ऊपर न्योछावर करता है, ऐसे उदार मनुष्य की कथा को सरस्वती खुद अपने मुख से बखान करती है। अर्थात देवी देवताओं द्वारा भी वह व्यक्ति जो होता है अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना उनके लिए भी कठिन हो जाता है। अपने कर्मों, अपने सत्कर्मों द्वारा ही हम पूजनीय बनते हैं। और यही कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि ऐसे उदार व्यक्ति की कथा को सरस्वती अपने मुख से बखान करती है, अर्थात देवी भी उसके उसका बखान करने के लिए अपनी जिह्वा का प्रयोग करती है। सरस्वती यानी इतिहास में अमर होना, ऐसे व्यक्ति हमेशा इतिहास में अमर हो जाते हैं। तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा, धरा मतलब धरती, तो ऐसे धरती भी क्या करती है? जैसे लोग उस धरती पर जन्म लेते हैं उन्हीं से धरती का मान भी बढ़ता है। जब हमारे सैनिक, हमारे देश पे न्योछावर होने वाले लोग इस धरती के लिए खून बहा के जाते हैं तो कहते हैं कि धरती अमर हो गई, ऐसे सपूतों को जन्म देकर धरती अमर हो गई, यानी धरती की भी महानता का वर्णन उसके साथ जुड़ जाता है। तो कवि ने यहाँ पर कहा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धन्य हो जाती। धरा जो है, धरती जो है, ऐसे व्यक्तियों को जन्म देकर वो धन्य हो जाती है, उसका भी जीवन लगता है धन्य हो गया। किसकी? उसकी कोख से ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा धरती जो है वो धन्य हो जाती है अपने आप को, और इतिहास में अमर होकर धरती को धन्य करके जो व्यक्ति संसार में रहता है उस संसार का मान हमेशा, उस व्यक्ति का मान उस संसार में हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, इतिहास में उस स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तथा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और कहा कि मरकर भी अमर होने की बात उन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ में की कि मरकर भी वो अमर हो जाते हैं जो सुमृत्यु को प्राप्त करते हैं। उसी बात को यहाँ वो समझाते हैं। तथा उसी उदार की सदा, ऐसे ही उदार व्यक्ति की संसार में सदैव उसकी यश, उसका मान, उसकी कीर्ति संसार में हमेशा गुंजायमान रहती है, हमेशा वो अमर रहती है, हमेशा उसके नाम लेने वाले रहते हैं कि धरती पर ऐसे सपूतों ने भी जन्म लिया है। तो ये कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों का को जन्म देकर धरती भी धन्य हो जाती है, और उसकी यश कीर्ति, उस व्यक्ति की यश कीर्ति,
उसका मान सम्मान इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति हमेशा गुंजायमान रहती है, कूजती है। कूजना मतलब गूंजना जो शब्द होता है वो एक तरीके से क का ग रूप में परिवर्तित हो जाना से गूंजना कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, तद्भव मान सकते हैं इसको। और ऐसे कूजना यानी यश कीर्ति को चारों ओर गुंजायमान होने की बात करते हैं। तो कहा कि उसी व्यक्ति की जो कीर्ति है संसार में हमेशा गूंजती है, हमेशा लोग उसको याद करते हैं। क्या संसार में ऐसे व्यक्तियों ने भी जन्म लिया है जो संसार में सभी का मान रखते हों, जो संसार में दूसरों के लिए जीवन जीवन यापन जीवन देते हों, दूसरों का भला करते हों, सबके हित के लिए अपना जीवन बना के रखा हो, ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं। तथा उसी उदार की को समस्त सृष्टि पूजती। पूजनीय शब्द व्यक्ति के आगे लगने पर कहने का तात्पर्य व्यक्ति पूजनीय कब होता है? व्यक्ति पूजनीय अपने कर्मों से होता है। यदि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें उसे देख करके संसार के लोग हमारी पूजा करने लगे तो हम कर्मों से ही तो पूजे जाते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हम संसार में मान और अपमान के भागीदार होंगे। अगर हम अपने कर्मों से लोगों का भला करते हैं, अपने कर्मों से लोगों के का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए सदैव खड़े रहते हैं, तो ये निश्चित है कि हमेशा हम उनके लिए अपना जीवन न्योछावर करने को तत्पर हैं और संसार हमें तभी पूजनीय मानेगा, तभी संसार के लोग हमें पूजनीय कहेंगे। तो ये यहाँ पर कहा है, पूजनीय होने का मतलब पूजा के योग्य। और पूजा के योग्य मनुष्य कब होता है? जब वो देवतुल्य हो जाए, देवता के समान। और देवता के समान कब होता है? जब उसके सत्कर्म हो, कर्म उसके सत्कर्म हो, तब वो देवता तुल्य हो जाता है। तो यही कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से चाहे तो मनुष्य न रहकर देवता भी बन सकता है और कर्मों से ही वो राक्षस भी बन सकता है। तो यदि अपने कर्म अच्छे हैं, कर्मों का मान जान अच्छा है, तो हम हमेशा पूजनीय रहेंगे। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि का मतलब हुआ सारा संसार, सृष्टि मतलब सारा संसार जिसे पूजनीय कहे, संसार उसकी पूजा करे, ये कहा गया है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड जो कभी खंडित ना हो, आत्मभाव स्वयं का भाव, यानी अपने मन के भावों को कभी भी खंडित ना करो, तोड़ो नहीं, हमेशा सबके लिए एक समान रखो। अगर हम अपने मन के भावों को समस्त सृष्टि के लोगों के लिए एक समान रखेंगे तो अखंड आत्मभाव कहलाएगा। वो आत्मभाव जो किसी के लिए भी टूटेगा नहीं। संसार में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन जाति बिरादरी से ऊंचा है, कोई धन से ऊंचा है, कोई धन से नीचा है, कोई जाति बिरादरी से नीचा है, लेकिन है तो मनुष्य। अगर वो मनुष्य है तो पूजनीय होगा, उसके साथ उसका सहयोग करके हम पूजनीय बन सकते हैं, उसकी मदद करके हम हमेशा उसके साथ दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भी हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हम मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। तो कवि ने कहा कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड जो खंडित ना हो, आत्मभाव स्वयं का भाव, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। ये अखंड आत्मभाव और असीम, ये तीन शब्द यहां आए हैं जिसको मैं आपको समझाना चाहूंगी। तीन शब्द हैं अखंड, आत्मभाव और असीम। संसार असीम है, उसकी सीमा नहीं, हम नाप नहीं सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि की बात नहीं करी, यहां भावात्मक दृष्टि की बात हो रही है। अब आप कहें भौगोलिक दृष्टि कहेंगे नाप सकते हैं, संसार की सबकी सीमा है तो हम नाप सकते हैं। देखिए यहां भावात्मक दृष्टि की बात हो रही है। तो तीन शब्द आए हैं अखंड,
दूसरा शब्द आया है आत्मभाव और तीसरा शब्द आया है असीम। अखंड का मतलब जो कभी खंडित ना हो, जो कभी खंडित ना हो। खंडित मतलब टूटना, टूटे ना। आत्मभाव स्वयं का भाव, स्वयं का भाव। असीम जिसकी सीमा ना, मतलब मापी ना जा सके आसानी से, असीमित हो। संसार असीमित है। फिर कवि ने कहा कि मनुष्य जो अपने भावों को, अपने स्वयं के भावों को संसार के लोगों के लिए कभी खंडित ना करे, कभी भी खंडित ना करे, और अपने प्रेम के भाव को संसार के प्रत्येक प्राणियों के लिए समान रूप से रखे, और अपने प्रेम को इस असीम संसार में सबके लिए समान भाव से रखे, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। वो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, विश्व मतलब संसार, अपने इस अखंडित आत्मभाव को, अपने स्वयं के भाव को इस संसार की सीमा में सबके लिए समान भाव से प्रयोग करे, समान भाव से सबको मान जान दे और सबको सम्मान दे, ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संसार में पूजनीय होता है। सरस्वती उसकी कथा को स्वयं बखानती है, मतलब वर्णन करती है। धरती ऐसे व्यक्ति से अपने आप को धन्य मानती है, और ऐसी ही व्यक्ति की कथा जो है संसार में हमेशा यश कीर्ति जो है कूजती है, गूंजती है, और सारे समस्त संसार के जो लोग हैं वो पूजनीय मानते हैं ऐसे लोगों को, कि ये पूजनीय होते हैं, संसार के लोग ऐसे पूजनीय होते हैं, और तभी संसार में उनकी पूजा होती है, क्योंकि वे अपने प्रेम भाव को अखंडित रूप में संसार में भर देते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। कुछ एक कठिन शब्द इसमें आ गए हैं, जिसमें मैं जिसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। भावार्थ मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ उसको आपको जानने के लिए। अगर आपको कहीं भावार्थ पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव हो तो आप उसको उतार सकते हैं, अपनी पुस्तक के बाई तरफ भी लिख सकते हैं, ताकि पढ़ते समय आपको मदद मिले। उदार मतलब दयालु होता है। उदार शब्द आया है जिसका मतलब होता है दयालु। फिर आया है शब्द बखानना, मतलब वर्णन करना। बखानना का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। फिर आ गया है शब्द सृष्टि, मतलब संसार। सृष्टि का मतलब संसार। फिर हो गया असीम, तो मैंने बता दिया लेकिन फिर भी लिख देती हूँ। असीम मतलब जिसकी सीमा नापी ना जा सके, जिसकी सीमा नापी ना जा सके। फिर उसके बाद शब्द है कूंजना। कूंजना तो मैंने पहले ही बताया था, फिर भी लिख देती हूँ। कूंजना मतलब गूंजना, तो एक तरीके से गूंजना शब्द जो है तद्भव है इसका, जिसको हम शुद्ध रूप में कूंजना कहते हैं। आत्मभाव असीम ये सब मैंने बता ही दिया है, तो ये सारी चीजें हैं जिसका वर्णन मैंने यहाँ लिख दिया। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, और या अपनी पुस्तक के बाईं तरफ नोट कर लीजिए, तो उससे आपको आराम रहेगा लिखने के लिए। फिर मैं विशेष अर्थ बता देती हूँ।
तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता इतनी ही थी, क्योंकि ये आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिन बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है या कहीं से ट्रांसफर होके आए रहते हैं, और उन्हें तो इसीलिए हमेशा जब पढ़ाया जाता रिवीजन में भी तो आपको पूरी चीजें फिर से एक तरीके से बताई जाती हैं कि जिनका छूटा हो या जिनको कोई कठिनाई हो वो अपना आराम से फिर नए सिरे से पढ़ लें। जिन्होंने किसी कारण से नेटवर्क नहीं है, क्लास छोड़ दिया है, तो वो सब भी उनके लिए दिक्कत ना हो। तो विशेष अर्थ में हो गया कि परोपकारी और मानवता की भलाई करने वालों, पहला इसका हो गया कि परोपकारिता, परोपकारिता और मानवता की भलाई, मानवता की भलाई करने, मानवता की भलाई करने वालों को करने वाला हमेशा पूजनीय होता है, सरस्वती, सरस्वती उसका वर्णन स्वयं करती है, सरस्वती उसका वर्णन स्वयं के मुख से करती है, करती है, स्वयं के मुख से करती है। धरती धन्य मानती है, धरती धन्य मानती है स्वयं को, धरती धन्य मानती है। फिर भाषा तुकांत तत्सम स्वरूप, तत्सम शब्दावली के साथ, शब्दावली के साथ उसी उदार की कथा, उसी उदार और सदा सजीव, सदा सजीव कूजति, कीर्ति कूजती, कीर्ति कूजती, कीर्ति कूजती समस्त सृष्टि। ये देखिए एक ही वर्ण वाले शब्द हैं, समस्त सृष्टि। अब इसमें देखिए उसी, सदा सजीव, कीर्ति कूजती, स, तो ये सारा एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो सारा क्या हुआ, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको इसका विशेष अर्थ भी बता दिया, और कीर्ति कूजती के हिसाब से मानवीकरण भी है। इसमें आपका एक और अलंकार आया, वो है क्या है, मानवीकरण, यानी मानवी का यश का को मनुष्य मान लेना, कि यश जो मनुष्य की का यश कीर्ति है वो जो है सदैव कूजती है, तो मानवीकरण अलंकार भी हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें हर प्रकार से, इसमें जो जो काव्य सौंदर्य के विशेष अर्थ थे, मैं थोड़ा किनारे हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको पढ़ने के लिए मदद मिलेगी, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद के भीतर कवि ने ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जिससे धरती धन्य हो जाए, जिसका बखान सरस्वती करे, जो उस अपने प्रेम भाव और परोपकारिता को, भाव को, असीम भाव को संसार के समस्त लोगों के लिए बराबर भाव से रखे, समस्त लोगों के लिए अपने हृदय को न्यौछावर करके खुले मन से उनका स्वागत करे, और ऐसे लोगों को
जन्म दे के धरती धन्य हो जाए। तो इस तरीके से इस अनुच्छेद में ऐसे महान व्यक्ति के की मनुष्यता के भाव का वर्णन कवि ने किया है। जो आपको समझ में आ गया होगा, तो इस पैराग्राफ को मैंने भी पढ़ा दिया, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ।